पहरेदार भारत न्यूज़ नाल तस्वीरां दिखा रहे हाँ सिरसा तो डीसी ऑफिस के जो बाहर का नज़ारा है वो दिखा रहे हाँ कि अज किसान पहुंचे हुए ने डीसी साहब नूं ज्ञापन देने लई। वजह यह है कि जो किसानां नूं ऋषि जंतर दिते जा रहे ने उन्हां दे विच बहुत वड्डा घोटाला है, उन्हां दीआं कीमतां दे विच दिन रात का फर्क है। गल करवाने हाँ किसान आगुआं दे नाल, जानते हाँ कि किसानां दे नाल होर की धक्का हो रहा है। ਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੰਤਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਸੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਏ ਹਾਂ। देखो अगे डी सी साहब नूं मिल नहीं सकते किसान, बहुत थोड़ी कहने 20-25-30 किसान है वो डी साहब नूं नहीं मिल सकते क्योंकि किदां सुरक्षा लाई हुई है, कहदा डर साढ़े ते उहनां नूं। साडा जिहड़ा इतिहास है असीं मतलब कि जथेबंदियां चलाउंदे आ, कदी कोई चोर डाकू थोड़ा सी इहनां नूं कोई मार दांगे, मतलब उदां हऊआ खड़ा कीता जा रिहा। किसानां दी गल सुणे सरकार, पर इत्थों दा डी सी असीं उहनूं बेनती जरूर करांगे वी इह घोटाला बहुत वड्डा है और ये पूरे हरियाणे 'च है, कला सरसे च नहीं, इसनों पूरे हरियाणे पद्धर ते थावांगे। एग्जाम्पल ये है भी जिहड़ा सबसिडी है, देखो इस सुपर सीडर है कंपनी रेट है 2,10,000 रुपया तो 2,50,000 रुपया वसूल किया जा रहा, 2,10,000 का बिल दिता जा रहा। जीरो ड्रिल है 58,000 की 70,000 रुपया वसूल किया जा रहा। चोपर है जिहड़ा 2,75,000 का 3,30,000 रुपया लिया जा रहा। उपर वाले पैसे कौन खा रहा, जां तां फिर डी साहब का हिस्सा है, मतलब ये तो बिल्कुल ही दिने डाके बजने वाली गल है। जिन्ना जिन्हें पैसे लाए जा रहे हैं, जे मान लो वो 2.5 लाख का उन्हें 2.5 लाख का बिल देना चाहिए, उन्होंने सबसिडी कितने बचती, सबसिडी तो अं खा गए ही खा गए। सबसिडी के नाते किसानों के नाते ये घोटाला है और एक घोटाला अफसर रल के कर रहे हैं। कल्लियां कंपनियां जिहड़ियां उन्होंने हाथ सरकार दे नाल मिले हुए है, क्योंकि वो कंपनियां भी सरकार के बंदियां दीआं ने, कोई साधारण कोई मजदूर किसान की कोई कंपनी नहीं, और उस डायरैक्ट जिहड़ा पैसा है वो एक नंबर च मान लो 2 नंबर का धंधा कर रहा, कागजा च कहने एक नंबर है पर 2 नंबर धंधा भी कानून च कर रहा। मैडम एक समस्या हो रही है जी, जिम्मे सबसिडी दी जा रही है ना, वो सबसिडी हूँ किसान ने सारे पैसे भरते 3,30,000 भरता, जो सबसिडी आनी 5 तो 6 महीने ठहर के आँदी है, इनका की मतलब है किसान को इन्ना पैसा वाधू नहीं भी वो सरकार को जमा करा के रखे, इन्ना पैसा ज़्यादा होंगे तो फिर तो खुद ही ले लेंदा, तो सबसिडी जो 15-20 दिनों के पहुँचनी चाहिए किसान को। हाँ जी हाँ जी, घोटाला तो है ही ना, सबसिडी जल्दी पहुँचनी चाहिए है, पिछले सालों के 6-6 महीने बाद सबसिडी आती रही है, ये चीज़ भी नोट करो। अजे तक जहाँ 50% से इंप्लीमेंट लाए थे तूड़ी वाली मशीन, हजे ती उन्हों की सबसिडी नहीं आई। देखो साल होने भी दुबारे कणक बीजन वाली हो गई है, इन्ना इन्ना टाइम नहीं लगना चाहिए, 10-15 दिनों का प्रोसैस चाहिए, सरकार को ये गौर करनी चाहिए है भी नाल दी नाल किसानों के खाते के पैसे पाए जाए।